तो मित्रों यहाँ लेवल नाप लिया है, अब 1 मीटर हाइट कम है। अगर 1 मीटर पानी बढ़ा तो यहाँ की बाउंड्री में पानी, देखिए चोट लग गई हमारे भगत जी के, जरा सी असावधानी। चलिए लेकिन ये बॉडी स्टील की बनी हुई है, लेकिन ये आयरन मैन है, अभी इसका ट्रीटमेंट करेंगे गौमूत्र के साथ। तो यहाँ मित्रों कटाव हो रहा है और जस्ट ऑलरेडी ऑलमोस्ट पानी अंदर आ चुका है, पर क्या करें, तो हमने ये कुछ यहाँ जहाँ जहाँ कटाव हो रहा है। आपको एक बार हम बताना चाहते हैं कि इस बार यमुना ने अपने 10 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, और ऐसा रिकॉर्ड कि आज आश्रम के आने के लिए पानी आतुर हुआ है। 45 साल का रिकॉर्ड इस बार यमुना जी ने तोड़ा। ये देखिए आश्रम सभी तरह से जलमग्न हो गया है। यहाँ भक्त दर्शन बाबा के करने आते थे। ये पार्क है और ये समाधि स्थल। अब यहाँ घुटने से भी ऊपर पानी है, मेरी नाभि से भी ऊपर। सब कुछ जल में डूब गया है। यमुना मैया बाबा के दर्शन करने आ गई हैं मचान पर, और श्री देवरा बाबा सरकार का ये दिव्य मचान जो आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं, अब जलमग्न है। श्री बाबा सरकार अक्सर नदियों के किनारे रहते थे, और यमुना जी बाबा के दर्शन करने इतना बड़ आती थी। अभी पुजारी जी भी श्री बाबा का भोग लगाने के लिए जल में ही जा रहे हैं। श्री यमुना जी ने बाबा सरकार के मचान को सभी तरह से स्पर्श कर लिया है। अब देखना यह है कि ये जल कितने समय तक मचान पर रुकेगा। श्री गुरु जी शाम को यमुना जी की पूजा करेंगे, तब सब आपको दिखाएंगे। ओ भाई बाप बहुत है इधर। अभी हम लोग बीच में नहीं खड़े, अपने आश्रम पर ही हैं, और यहाँ बहाव बीच धारा की जैसा ही है जैसे नॉर्मल समय में बहा करता था। पानी में 2 सांप निकल आए हैं, और मेरी चुनौती है पहले इन सांपों को पकड़ने की। ये सामने देखिए, इसके लिए मुझे चाहिए एक स्नैक स्टिक, फिर मैं इसे पकड़ लूँगा। तो चलिए पहले इसको पकड़ते हैं, नहीं तो ये बढ़ गई पानी में किसी को काट भी सकता है। ये है वजह से। चलो मैं कैमरे को अच्छे से होल्ड नहीं कर पा रहा, क्योंकि अगर मैं इधर ध्यान दूंगा तो वहाँ ध्यान छूट जाएगा। एक हाथ से मुझे स्नैक स्टिक पकड़नी है और इस सांप को भी काबू में लाना है। तो आप ये स्नैक अब कंट्रोल में है, और मैं पूजा में शामिल नहीं हो पाऊँगा। मुझे इसको दूर किसी डब्बे में डालकर ऐसी भूमि पर छोड़ना होगा जहाँ ये मरे नहीं और सुरक्षित वापस अपने क्षेत्र में चला जाए। प्लीज़ इसे बंद ही रखिए, अगर एक बार खुला तो पानी में खतरा हो जाएगा। बोले वाले जीव कहाँ जाएंगे। यमुना जी की पूजा हो गई है और मैं इस सर्प को पकड़ने के चक्कर में पूजा में आने से रह गया, लेकिन कोई बात नहीं, सारी सेवाएं हमारी ही हैं। पानी का बहाव देख रहे हैं आप, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि यमुना जी इतनी ज़्यादा बड़ी हों कि समाधि को ही स्पर्श करके अंदर पूरी तरह प्रवेश कर गई हों। ये जल अथाह है, आप देख सकते हैं जल का बहाव यहाँ इतना ज़्यादा है तो बीच में कितना होगा। हमको स्नान करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ रहा। शांति आप प्रकृति की आपदाएं इतनी विशाल और भयावह होती हैं कि मनुष्य उनके सामने लाचार है, लेकिन भगवत कृपा और गुरुदेव की कृपा से ऐसे संकट बहुत छोटे हो जाते हैं। गुरुदेव का सानिध्य हमेशा बल देता है
संकट चाहे कैसा भी हो, दूर तो वही करते हैं, और विश्वास है होगा भी उनकी कृपा से। एक गौ माता है जो बहुत चिंतित हैं, क्योंकि यहाँ पानी लगभग कमर से ऊपर है और रास्ता भी नहीं। हम सब इतना जल पहली बार देख रहे हैं और चिंतित हैं कि गुरुदेव की कृपा से ये संकट कब दूर हो। जल लगातार बढ़ रहा है, ये देखिए, जहाँ कभी लोग बैठते थे ये पूरा स्थान डूबा हुआ है जल में। पता नहीं कहीं से कोई सा सांप निकल सकता है। पानी में चलने वाले आज कम से कम 30-40 सांप देखे गए हैं। बाबा का नाम जपते हुए ही बस चल सकते हैं आगे। लाइट्स भी नहीं है और कमर से भी ऊपर जल, कहीं से कोई सा सांप निकल सकता है। बस प्रभु का नाम लेते रहो और आगे बढ़ते रहो। बाबा की कृपा से सब अच्छा ही होगा, हिम्मत भी वही देते हैं। सुबह हो गई है और ये देखिए रसोई में कमर से भी ऊपर जल है। यमुना जी का ये प्रभाव पता नहीं कब तक रहेगा, लेकिन एक इंच भूमि भी नहीं जहां पानी ना हो, सब तरफ जल ही जल। बैठो, अरे मैं उतर जा रहा हूँ। ये नाव का संचालन कर रहे अभी नहीं। हाँ सारथी चलो, चलो बोला सारथी, चलो सारथी चलो। ये देखिए मित्रों, दूर तक यमुना मैया के दर्शन, हमारे भगवान श्री कृष्ण की प्यारी क्रीड़ा स्थली वृंदावन। आश्रम में सब तरफ जली जले, सब तरफ। आचार्य जी 3 दिनों से अभी सोए नहीं हैं, ये सभी दिन रात सारी व्यवस्था को, सेवा को संभाले हुए हैं। ये रोड है, आपको दिख रहा है ये रोड, और सामने समुद्र जैसी विशाल यमुना, वो पूरे खेतों में पूरे, वो नावे क्या उधर, उधर उस रोड पर भी पानी पहुंच गया। अच्छा पशु पक्षी सब त्रस्त हो गए। इतनी सारी कोशिशें की गई, इतने सारे डैम वॉल्स बनाए, सारे प्रयास बेकार चले गए। यमुना मैया को बाबा के पास आना ही था, और इतने विशाल रूप में
जो हम सोच भी नहीं सकते। ये मेन रोड था आश्रम का, ये मार्ट है इधर, मार्ट से, और ये वृंदावन था यमुना जी। अब वृंदावन और मार्ट एक हो गया पूरा, दूर तक सिर्फ पानी पानी। इधर मोटर बोट चल रही है और यहाँ रोड तक ऊपर पानी पहुँच गया, सारे रास्ते में पानी पानी हो गया है। इसीलिए अगर जो भी भक्त आश्रम आ रहे हो तो अभी एक दो दिन देख लें हिसाब से। यहाँ अब तक अंदर होता है।